नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टडी विद ललित 5M। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए उत्तराखंड परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, जिसे हमने शुरू से स्टार्ट किया था कल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा प्रथम विधानसभा सत्र, यानी कि भराड़ी सेन के नवनिर्मित विधानसभा भवन में जो हुआ था प्रथम विधानसभा सत्र जो था वह कब हुआ था। वह हुआ था 17 से 18 नवंबर सन 2017 में। तो कब हुआ था दोस्तों? 17 से 18 नवंबर सन 2017 में, इसे याद रखिएगा। अगला है विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू, यानी विधानसभा का अपना वेबसाइट कब से शुरू हुआ था? वह हुआ था 4 मई सन 2001 से शुरू हुआ था दोस्तों। अगला देखते हैं अब जरा, राज्य गठन से पहले इस वर्ष में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी, यानी राज्य गठन से पहले इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? तो कितनी थी? 22 सीटें थी। अगला देखते हैं दोस्तों, विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न, यानी विधानसभा सीटों का जो परिसीमन था वह कब संपन्न हुआ था? वह हुआ था 5 नवंबर सन 2001 व फरवरी 2008 में, यानी कि ये दो बार जो था परिसीमन संपन्न हुआ था, 5 नवंबर सन 2001 व फरवरी 2008 में। नेक्स्ट है, परिसीमन के बाद विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो परिसीमन के बाद विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो वह है दोस्तों 71। 71 जो है परिसीमन सीटें हैं बाद में। अब देखते हैं अगला, मतदाताओं की कुल जो संख्या है वह कितनी है? तो मतदाताओं की जो संख्या है उत्तराखंड में यह है हमारी तो यह है दोस्तों 75,92,296, जो टोटल जो हमारे मतदाताओं की कुल संख्या है वह है 75,92,996, जो कि कब थी? 9 जनवरी सन 2017 में काउंट की गई थी। प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की जो तिथियां हैं वह है, प्रथम की है 14 फरवरी 2002, दूसरे की है 21 फरवरी सन 2007 और तीसरे की है 30 जनवरी 2012 और चौथे की है 15 फरवरी 2017। तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ विधानसभा में चुनाव में मतदान प्रतिशत। तो दोस्तों पूछ रहा है प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत जो है वह कितना कितना है? यह है 54% पहले में, दूसरे में 63% और तीसरे में 67.70% और चौथे में 65.64%। प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं जो है विजय जो हुए हैं, पहले में हुए 4, दूसरे में भी 4, तीसरे में 5 और चौथे में 5। विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों उत्तराखंड में? वह है हमारी टोटल विधानसभा में कुल कितनी सुरक्षित सीटें हैं? तो टोटल सुरक्षित सीटें हैं वह है 15, 13 SC की प्लस 2 ST की। SC के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें कहाँ कहाँ पर है? हमारी 3 तो है हरिद्वार में और एक एक है हमारी, एक देहरादून, एक उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़। इन सभी में एक एक है, हरिद्वार में कितनी है? 3। SC के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें हैं वह कहाँ है? SC के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें एक चकराता में है जो कि देहरादून में पड़ता है और एक नान कमता में है जो कि उधम सिंह नगर में पड़ता है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर है? उत्तराखंड में तो जो है वह है हरिद्वार में, कितनी है? 11। सबसे कम विधानसभा सीटें, सबसे कम विधानसभा सीटें है बागेश्वर में, रुद्रप्रयाग में व चंपावत में, इनमें दो दो सीटें विधानसभा सीटें हैं। वह देखते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रम से है। प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुआ था वह उनका गठन हुआ था वह 14 फरवरी 2002 में प्रथम हुआ था, 14-15 मार्च 2002, 14 फरवरी 2002 को हुआ था, और इसका गठन कब हुआ था? 14-15 मार्च 2002 को हुआ था। सॉरी दोस्तों, ये बार बार बैक हो जा रहा है तो आपको दिक्कत। उत्तराखंड में लोकसभा की जो सीटें हैं वह कितनी है? उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें वह है 5, एक टिहरी में, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है वह हरिद्वार में। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट है वह है हरिद्वार। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे सबसे छोटा लोकसभा सीट जो है वह है पौड़ी में। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य हैं, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? पौड़ी गढ़वाल में तीरथ सिंह रावत, टिहरी गढ़वाल में माला राज्यलक्ष्मी साहा, हरिद्वार में रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा में अजय टमटा व नैनीताल में अजय भट्ट। एससी हेतु सुरक्षित सीट जो लोकसभा में है, एससी हेतु सुरक्षित सीट वह है 1, जो कि अल्मोड़ा में है। पहले हम दोस्तों राज्यसभा की सीटों के बारे में बात कर रहे थे, अब लोकसभा की सीटें हैं। तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वह है कितनी? राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है वह है 3। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? ये हैं हमारे श्री राज बब्बर 25 नवंबर 2020 तक रहे, और श्री प्रदीप टमटा व अनिल बलूनी। अब है वर्तमान में उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। उच्च राज्य न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश है वह कितना है? 9। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जाती है देहरादून व उधम सिंह नगर में। जल्द ही 5 जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है, अल्मोड़ा ने, पौड़ी ने, टिहरी ने, हरिद्वार व नैनीताल ने। संभागों यानी मंडलों की जो संख्या है उत्तराखंड में वह कितनी है? 2, गढ़वाल व कुमाऊं। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है, सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है दोस्तों? यह है हमारा गढ़वाल मंडल, जिसमें कि 7 जिले हैं। जिलों की जो संख्या है वह कितनी है? 13। कुल जिलों में मैदानी जिले कितने हैं? जो हमारे 13 जिले हैं उत्तराखंड में, 13 जिले हैं, इनमें जिलों की जो संख्या है वह कितनी है? 110। उपजिलों यानी कि उपजिलों, तहसीलों की जो संख्या है, जो इन्हें उपजिलों बोलते हैं तहसीलों को, तो इनकी जो संख्या है वह कितनी है? 110। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। सबसे कम तहसीलों वाला जिला रुद्रप्रयाग व हरिद्वार, जिनमें 4-4 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की संख्या जो है वह है 18। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टिया थी क्रम से 19 व 125। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल कितनी परगने पट्टिया थी?
क्रम से 11 व 86 पट्टे थी। विकास खंडों ब्लॉकों की संख्या कितनी है 2018-19 में? टोटल 95, 76 पर्वतीय प्लस 19 मैदानी। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? वह है पौड़ी, जिसमें 15 ब्लॉक है। राज्य सबसे कम विकास खंडों वाला जिले कौन से है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, इनमें 3-3 ब्लॉक है ओनली। राज्य के कितने भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? वह लगभग 60% भाग पर दुर्गम क्षेत्रों में। और राज्य में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? सुंदरबनी में जो कि गणना की गई थी यह है 157। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।